हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है स्टैटिस्टिक्स पार्ट 4 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इसके पहले जो मैंने स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो बनाया है मीन मीडियन और मोड, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वो उस वीडियो को उन सब वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है हमारा क्वांटाइल्स, और क्वांटाइल्स में जो आता है वो तीन चीज़ आते हैं, वो है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। सो इन तीन पे आज हम बात करेंगे। इसके पहले मीडियन पे हम बात कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। सो मीडियन जो है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। अब ये क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स क्या है तो उसको समझते हैं, जिसको हम क्वांटाइल्स बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइल्स, बिसाइड्स मीडियन देयर आर अदर मेजर्स व्हिच डिवाइड्स अ सीरीज इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। दीज क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर ऑल स्पेशल केसेस ऑफ क्वांटाइल्स are all special cases of quantiles. Quartiles are denoted by Q, deciles by D and percentiles by P. So median के अलावा जो हमारे कोई भी series को equal number of parts में convert करने के लिए जो हमारे तीन सबसे important measures है वो है quartiles, deciles और percentiles। ये सब स्पेशल केसेस ऑफ क्वांटाइल्स हैं। क्वार्टाइल्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, डेसाइल्स को डी से और परसेंटाइल्स को पी से। सो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स क्या है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फोर इक्वल पार्ट्स में, क्वार्टाइल्स क्वार्टरली ऐसा आपने सुना ही होगा आपने, तो ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करने का काम करता है। आप देख ही रहे मेंट में, सो तीन पॉइंट्स हम डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दें तो वो तीन पॉइंट्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पहला है वो है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, दूसरा है हमारा Q2 सेकंड क्वार्टाइल जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, और हमारा थर्ड है वो है Q3 थर्ड क्वार्टाइल। और उसकी फॉर्मूला क्या है, QR वेयर R इज 1, 2 और 3 इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस RN/4, हमारे एन जो है टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इनटू आई क्लास लेंथ। ये हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिमिलर है मीडियन के फॉर्मूले से, बस उसमें फ़र्क क्या है, वो उसमें N/2 होता है या इसमें RN/4 है, क्योंकि मीडियन एक ही होता है और क्वार्टाइल्स तीन टाइप के हैं Q1 Q2 और Q3, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा होगा। सेम फॉर्मूला है पैटर्न पे, बस यहाँ पे RN/4 आ, ये इतना डिफरेंस आ रहा है। फिर हमारा होता है डेसाइल्स, डेसाइल्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, जो हमने ग्राफिकली मैंने यहाँ पे दिखाया है तो आप देख सकते हैं। और D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 इसमें हम फाइंड करते हैं इसका यूज़ करके, और इसमें जो हमारा D5 जो है वो हमारा मीडियन कहलाता है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, DR इज इक्वल टू L प्लस RN/10। देखो इसमें RN/4 है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स मतलब RN/10 माइनस प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू आई क्लास लेंथ हमारा, तो वो तो सब सेम है। और यहाँ पे जो आर है वो R1, 2 से लेके 9 तक हो सकता है। और उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल आता है परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। परसेंटाइल्स परसेंटेज के बहुत नज़दीक बोल सकते हैं, परसेंटेज परसेंटाइल, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम परसेंटाइल्स का यूज़ करते हैं। उसमें आर जो है हमारा 1 से 99 तक होगा, फॉर्मूला वही रहेगी, बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, RN/100, परसेंटाइल्स में 100, डेसाइल्स में 10, क्वार्टाइल्स में 4, और हमारा मीडियन में जाता तो वो 2 था और आर नहीं था उसमें, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। सो होप आपने क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स का जनरल टॉपिक आपने समझ लिया है, वो क्या कहता है, उसकी फॉर्मूला क्या है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल करेंगे ये वाला, मतलब पूरा आपको ये
तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, और बहुत इजी है। आपने फॉर्मूला से ही देख ही लिया होगा, आपको मीडियन आता है फाइंड करना, तो ये फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस ये क्वेश्चन है द प्रॉफिट अर्न बाय 100 कंपनीज ड्यूरिंग 2019-20 आर गिवन बिलो। 100 कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका हमको टेबल दिया है 2019-20 का। 20 से 30 लाख का प्रॉफिट करने वाली जो जनरेट करने वाली कंपनी थी वो 4, ऐसे 30 से 40 8, और ऐसा हमारा टोटल नंबर ऑफ कंपनीज दी हुए हैं। पहला काम जो है हमें मीडियम में भी करते थे वो क्या करते थे कि CF फाइंड करना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फटाफट फाइंड कर लेते हैं, हमारा पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वही का वही रहेगा। फिर हम प्लस करते थे इस दोनों को, 4 + 8 होगा 12, फिर 12 + 18 वो होगा हमारा 30, 30 + 30 वो हमारा 60, ऐसा हम ऐड करते जाते हैं। 60 + 15 हमारा होगा 75, 75 + 10 हमारा 85, 85 + 8 हमारा होगा 93, और 93 + 7 होगा हमारा 100। ये हमारा होगा टोटल फ्रीक्वेंसी n। तो हमारी ये CF फाइंड कर लिया। अब CF फाइंड कर लिया तो अब हम इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, Q1, Q2, Q3, D4, D7, P80 और P91 फाइंड करना है। हमको पता है कि Q2 क्या है, मीडियन है। ओके, तो Q1 को फाइंड करते हैं। सबसे पहले Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस आर एन बाई 4 था, अभी R क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू एन बाई 4 माइनस PCF अपॉन F इंटू I। हमारा क्लास लेंथ क्या है, तो हमारा क्लास लेंथ जो है वो है आई 10। फर्स्ट हम क्या करते हैं कोई भी मीडियन में या इसमें भी क्या करेंगे कि हमारा n बाई 4 फाइंड करेंगे। n क्या है हमको 100 है, तो 100 बाई 4 क्या होगा, 25th ऑब्जर्वेशन। n बाई 4th ऑब्जर्वेशन तो होगा 100 बाई 4 विज 25th ऑब्जर्वेशन। और उसका मीनिंग क्या होगा कि हमको CF में देखना है कि 25 से सबसे पहले ऊपर जो नंबर हो, 25 से थोड़ा बड़ा हो तो वो है 30, उसके बाद वाला नहीं देखना है। सो इमीडिएट जो सबसे बड़ा नंबर आ जाए CF के कॉलम में वो हमको देखना है, तो है हमारा 30। तो 30 जो है वो हमारा 40 to 50 के बीच में आ रहा है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी या हमारा क्वार्टाइल क्लास या मीडियन क्लास, हम जो पहले मीडियन क्लास बोलते थे हम उसको क्वार्टाइल क्लास या Q1 क्लास बोलेंगे, वो क्या है 40 से 50। तो हमारा जो क्लास है वो है 40 से 50। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वो क्या है, 18। फ्रीक्वेंसी हमारा 18, क्लास लेंथ तो 10 पता ही है हमको, n हमारा 100 है, वो उसका तो हम भी काम नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू लिख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। और हमको चाहिए प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारा 40 50 हमारा क्वार्टाइल क्लास Q1 का, उसके प्रिसीडिंग क्या है 12। तो हमारा प्रिसीडिंग PCF क्या होगा हमारा 12 होगा, और हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास वो है 40। अब हम क्या इतना मिल गया है तो हम आसानी से Q1 फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 क्या होगा हमारा इज इक्वल्स टू L होगा 40 प्लस n बाई 4 मतलब 25 माइनस प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज 18 इंटू आई मतलब 10, ये होगा 40 प्लस 25 माइनस 12 वो होगा हमारा 12 और 8 3 और 13, 13/18 इंटू 10। तो इसका आंसर होगा हमारा 130 by 18, 7.23। तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा ₹47.23 लाख प्रॉफिट हमारा, मतलब Q1 हमारा ये होगा। सो हमारा जो Q1 है वो हमारा आया है ₹47.23 लाख। इसका मीनिंग क्या हुआ Q1 का कि 25% ऑफ द कंपनीज ऑफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट
ऑफ रुपीज 47.22 लाख और लेस। ये हमारा जो है Q1 का कंक्लूजन होगा। Q1 जो हमने फाइंड किया उसका कंक्लूजन क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा। 25% ऑफ द कंपनीज अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 47.23 लाख और लेस, इसका ये मीनिंग होगा Q1 का। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट तुमको फाइंड करना है वो है Q2, तो Q2 फाइंड करते हैं। Q2 मतलब मीडियन भी होगा हमारा, और उसकी फॉर्मूला क्या होगी, L प्लस 2n/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि R हमारा 2 है। R हमारा देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, R हमारा अब 2 है तो 2n/4, पर उसका मीनिंग क्या होगा n/2, मतलब आप Q2 लिखें या मीडियन की सीधी फॉर्मूला लगा दें उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो हमारा पहला n/2th ऑब्जर्वेशन वो क्या होगा, 100/2 मतलब हमारा 50 आंसर आएगा, और 50 से इमीडिएट बढ़ा तो वो है 60, तो हमारा क्लास सी हो जाएगा। ये हमारा Q2। तो हमारे इसमें ये सब पहले लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एफ हमारा हो जाएगा Q2 के लिए 30 हो जाएगा, और हमारा प्रिसीडिंग वाला PCF भी Q2 के लिए 30 हो जाएगा। ओके, तो और हमारा लोअर लिमिट, हमारा क्लास जो है वो क्या है देख लेते हैं फिर से, 50-60। क्लास जो हमारा आया है वो है मीडियन क्लास बोल सकते हैं या Q2 क्लास, 50-60। हमारा जो L है वो 50 हो जाएगा, F फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 है, प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 30 है, और I हमारा 10 होगा। तो फाइंड कर लेते हैं Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन विच इज इक्वल्स टू 50 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस 30 PCF माइनस अपॉन 30 फ्रीक्वेंसी इंटू 10। तो होगा 50 प्लस 20/30 इंटू 10, 0 0 कैंसल, मतलब 50 प्लस 3 6 ज़ा 18 और 6.67, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लास्ट विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 56.67 लाख। तो उसका मीनिंग क्या होगा, हमारा मीडियन फाइंड हुआ, मतलब 50% ऑफ द कंपनीज अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 56.67 लाख और लेस। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो हमको फाइंड करना है वो है Q3। Q3 होगा हमारा L प्लस R n/4 मतलब 3n/4 माइनस PCF अपॉन F इंटू I। पहले हम काम करेंगे 3n/4 फाइंड करेंगे, वो होगा 3 × 200/4 300/4 75। तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75 या उससे 75 से ग्रेटर इज ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, ये 75 आ रहा है पर हमको जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है वो है 75 से ग्रेटर, और इक्वल टू का कोई कंडीशन नहीं है। मतलब हमारा असल में जो हमारा क्लास होगा वो Q3 मैंने यहाँ पे लिखा ही है, वो हुआ 70-80। ओके, तो क्लास होगा हमारा 70-80, उससे हमारा लोअर लिमिट 70 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 10, फ्रीक्वेंसी 10, प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा हमारा 75। ओके, और आई तो हमारा 10 है ही, रख देते हैं सब कुछ, विच इज इक्वल्स टू 70 + 75 - 75 / 10 × 10। अब ये हो जाएगा 75 - 75 0, मतलब 70। Q3 क्या आ गया हमारा 70 रुपीज़ 70 लाख। तो 75% ऑफ द कंपनी हैज़ अ प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 75 लाख और लेस। ओके, अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वो है क्या फाइंड करना है, Q1 हो गया, Q2, Q3, अब D4 फाइंड करना है। ओके, सो D4 फॉर्मूला वही है, L प्लस आर एन, आर क्या हमारा 4, एन बाय अब 4 के बदले 10 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, अपॉन F इंटू आई। अब 4n/10 क्या होगा,
मतलब 4 × 100/10 0 0 कैंसर मतलब 40th ऑब्जर्वेशन, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 इमीडिएटली, तो हमारा होगा 60, तो हमारा ये D4 का भी क्लास हो जाएगा। तो D4 का भी क्लास ये होगा सेम Q2 जैसा, तो D4 हमारा क्लास होगा वो का 50 to 60, L50। चल नाश्ता कर, ना वीडियो बना बैठी गयो, खबर से ना जानो जो आवी करो फोन बंद कर, वीडियो आवी ने बनाओ जो L50, PCF हमारा 30 और फ्रीक्वेंसी भी हमारी 30, ओके सेम ही है क्लास 30 30, देयरफॉर हमारा D4 जो होगा 50 + 4n/10 होगा 40 − 30/30 × 10 कैंसल, तो वहाँ होगा 50 + 10/3 50 + 3.34 rupees lakh 40% ऑफ द कंपनी अर्न्स एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 53.34 lakh और लेस, ओके। सो फ्रेंड्स हमने D4 फाइंड कर लिया है, D4 जो है हमारा 53.34 lakh। अब नेक्स्ट जो फाइंड करना देख लेते हैं, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है D7, ओके। सो D7 आर हमारा हो गया 7, मतलब L + 7n/10 - प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। तो पहले हमको 7n/10 फाइंड करना होगा, D7 का क्लास जानने के लिए वो होगा 700/10 विच इज 70th ऑब्जर्वेशन। सो हमारा जो वो क्लास होगा D7 75th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सबसे जो उससे बड़ा हो, नज़दीक हो और उससे बड़ा हो, तो 70 से बड़ा है और उससे नज़दीक है सबसे, तो हमारा जो क्लास हो जाएगा D7 के लिए वो होगा 60 to 70, ओके। तो हमारा क्लास जो हो जाएगा वो होगा 60 to 70, तो हमारा L क्या हो जाएगा 60। अब हमको चाहिए PCF क्या होगा देख लेते हैं, PCF होगा हमारा 60 और हमारा फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा 15, 60 और 15, PCF हमारा 60 और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 15। सो हमारा D7 क्या होगा 60 + 70 - 60/15 × 10, तो हो जाएगा 60 + 10/15 × 10 60 + 100/15 = 16 + 100/15 होगा हमारा 6.67 This is equal to 66.67 lakh। तो D7 हमने फाइंड कर लिया, अभी नेक्स्ट देखना क्या है वो है P80 और P91, ओके। तो फटाफट P80 फाइंड करते हैं, पहले P80 हमला L + RN/100 हो जाएगा, पहले क्वार्टाइल्स में 4, डेसाइल्स में 10 और परसेंटाइल्स में 100 माइनस, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और P80 है तो हमारा RB क्या हो जाएगा 80, R क्या हो जाएगा हमारा, R के बजाय क्या लिखेंगे 80। तो पहला काम है 80n/100 फाइंड करना, वो होगा हमारा 8000/100 विच इज़ इक्वल्स टू 80, ओके। सो 80 से बड़ा तो वो होगा 85, तो हमारा जो क्लास होगा 70 to 80 हो जाएगा P80 के लिए, ओके। हमारा क्लास हो जाएगा 70 to 80, ओके 70 to 80, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 10 और प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 75। PCF है हमारा 75
और हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो 10। ओके, देयरफॉर P80 क्या हो जाएगा हमारा, लोअर लिमिट हमारा 70 हो जाएगा। तो 70 प्लस 80 माइनस 75 अपॉन 10 इंटू 10, ये कैंसल। 70 प्लस 80 माइनस 75 होगा हमारा 5, विच इज इक्वल्स टू 75। ओके, रुपीज़ 75 लाख। तो स्टूडेंट्स हमारा टेयर फॉर P80 क्या हो जाएगा, रुपीज़ 75 लाख, मतलब 80% ऑफ द कंपनीज अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 75 लाख और लेस। ओके, और हमारा लास्ट एंड फाइनल जो है वो है P91, विच इक्वल्स टू सेम L प्लस R के बजाय 91 N बाय 100 माइनस प्रीसीडिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इनटू I। पहला काम है 90 N अपॉन 100 फाइंड करना, वो होगा हमारा 9100 अपॉन 100, क्योंकि अब N जो है 100 है, कैंसिल हो जाएगा तो 91 आ जाएगा। ओके, मंथ ऑब्जर्वेशन, सो उससे बड़ा तो हमारा 91 से बड़ा है 93, तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा 80 to 90 P91 के लिए। सो देयरफॉर हमारा क्लास हो जाएगा, देख लेते फिर से, क्लास हमारा है 80 to 90, फ्रीक्वेंसी है हमारी 8, प्रीसीडिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 85, 80 to 90 फ्रीक्वेंसी 8 और PCFs 85, प्रीसीडिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 85, यस। ओके, तो और हमारा जो L है वो क्या हो जाएगा 80, therefore P91 क्या होगा, P91 क्या हो जाएगा हमारा 80 प्लस 91 माइनस 85 अपॉन 8 इंटू 10, क्लास लेंथ हमारी 80 प्लस 91 माइनस 85 हमारा जाएगा 6 अपॉन 8 इंटू 10, 80 प्लस 60 अपॉन 8, तो 80 प्लस 60 अपॉन 8 हो जाएगा 7.5, सो इट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 87.5 लाख। तो 91% ऑफ द कंपनीज अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 87.5 लाख और लेस। सो सब कुछ हमने फाइंड कर दिया है, ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के वजह से आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा क्वार्टाइल्स डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के लिए। क्वार्टाइल्स डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के लिए कुछ करना नहीं है आपको, मीडियन की आता है तो बस वही करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आर एन बाय 4 आएगा क्वार्टाइल्स के लिए, जिसमें आर 1, 2, 3 हो सकता है, आर एन बाय 10 आएगा डेसाइल्स के लिए, और आर एन बाय 100 आएगा परसेंटाइल्स के लिए, आर 1 to 9 होगा डेसाइल्स में और आर 1 to 99 होगा परसेंटाइल्स में। सो अब हमारा वीडियो एंड करने का टाइम हो गया है, वीडियो एंड करने से पहले मैं कंक्लूजन जो हमारा होगा इसका मैं थोड़ी एप्लीकेशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। सो हमारे जो रेफरेंस बुक में उसमें दिया है कि क्वार्टाइल्स जो है उसका जो एप्लीकेशन है वो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में है। क्वार्टाइल्स का यूज़ किस में है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में बहुत उसका यूज़ होता है इस मेजर का। और जो दिया है डेसाइल्स और परसेंटाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स इसका जो यूजेज है वो साइकोलॉजी और एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स मतलब ग्रेड्स, रेट, स्कोर, या तो आपको पता ही है क्योंकि हमको परसेंटेज मिलता है जो भी हम हमारा रिजल्ट होता है उसमें, तो ग्रेड्स, रेट्स, फिर स्कोर्स, रैंक्स, फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस में पर्सनल डिपार्टमेंट प्रोडक्टिविटी रेटिंग एंड अदर सिचुएशन के लिए,
पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में इसका भी यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में दे सेल्स और परसेंटाइल्स, पर्सनल डिपार्टमेंट में, प्रोडक्टिविटी रेटिंग्स में एंड अदर सिचुएशन में इनका यूज़ होता है। तो मैं इस थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बोलना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड यहाँ तक देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।